की बड़ी लेट के लेट के देखने आया मेरा घर सही बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आज ही आ जाए जी ले अपनी जीजू के साथ आज सारी जिंदगी। क्यों? अभी उसको डेट पे ले जाना है मैंने। दो लोग भाग्यशाली है, इसके भाग्य में साली है। सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, और आज मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे ससुराल से एक गिफ्ट लेके आए थे, खरगोश दो। क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स आए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, उस वजह से मैं दिखा नहीं पाया। बट अभी मैं फ्री हो चुका, तो मैं सोच रहा हूँ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ उनसे। और उनका नामकरण भी अभी तक मैंने किया नहीं है, और क्या नाम रखें आप लोग कमेंट करके बताना। एक लड़का एक लड़की है, दोनों हैं। ये रखिए, ये है एक लड़की खरगोश। मेरे को बात है, ये इस पोज में क्यों बैठती है हमेशा? तो यहाँ पर नहीं बैठ जाता, कितनी बार बोला ना। हाँ ये सही है। तो ये देखो, ये है खरगोश। ये खरगोश नहीं है, अरे खरगोश है। ये तोते का पिंजरा था, इसे घुसा दिया इनको। देखो इसलिए घुसाया क्योंकि ये स्पाइकी है ना, ये बहुत शैतान है। ये अभी दोस्ती नहीं हुई है इनकी, इसलिए ये अभी यहाँ ये सेफ है। और बहुत छोटे हैं, कितने महीने के होंगे ये? शायद दो तीन। हाँ, दो तीन महीने के हैं ये, इसलिए इनको ऐसे यहाँ पे रखा गया है। बाद में इनके लिए घर बनाना है, और बढ़िया से एकदम बढ़िया घर बनाएंगे, डबल स्टोरी वाला घर बनाएंगे। इसमें पौड़ी भी होगी और ऊपर से ऐसे एक मंजिल होगी, एक मंजिली होगी, उसमें बेड लगा होगा, इनके नीचे होगा, ऐसे कुछ बनाऊंगा। तो बड़ा सा बनाऊंगा, इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा, दो तीन मंजिली, और अंदर ही इनका सब कुछ बनाएंगे। फिलहाल तो ये खा रहे हैं, घास फूस बहुत खाते हैं, और रोटी भी खा रहे थे। पता नहीं रोटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा नहीं, बट मैंने दिया तो आप लोग बताना कमेंट करके, देते हैं कि नहीं देते हैं खरगोश रोटी। ये खरगोश खरगोश नहीं है वो, ये खरगोश नहीं, ये खरगोश। ऐसे हाफ क्यों रहे हैं ये, ऐसे रहते हैं कि? तो एक बार इनको बाहर खड़े पकड़ना इसको। आज बच्चा बाहर आ जा, बाहर चलो, बाहर नहीं रहे बोले। कमन 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 कमन, आ जा बाहर, आ जा बाहर, बाहर 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 आ जा, आ जा बाहर, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। ये है खरगोश। नाखून मारेंगे जयजी, मारेंगे नाखून। तू नाखून मारेगा मेरे को? नाखून मारेगा, मैं काट दूंगा तेरे को। अरे भाई साहब, काटने मारने की बातें क्यों कर रहे हो, मेरा मुंह निकल जाएगा। अरे मालिक जाने दीजिए, नवा नवा है बेचारा, डर जाएगा उसको। वो नहीं आ रहा, ये आ जाता है पता है, इसको बाहर आओ, अब बाहर उस गेट खुलाओ तो आता नहीं है। तेज इंसान कह रही, तेज खरगोश। और यहाँ पर हमारे चिड़िया लोग भी आराम से चुच चुच कर रहे हैं। ये चिड़िया घर नहीं लगता क्या है? किस तरह बैठे हो आप? अब ठीक है, ये इसको पता लग गया। ये देखो भाई, तू बच्चा, ये एक चिड़कौवी है। नहीं दोस्त आए हैं, दोस्ती करना चाहिए, ठीक है, दोस्ती करो उनसे, करने दो। नो, डर रही है वो, थोड़ी डर रहा है वो, क्या कर रहा है ये? देखो ये क्या कर रही है, चल चल चल, क्या चाहिए क्या चाहिए भाई? नो, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। दोस्त है, दोस्त दोस्त, दोस्ती करो, चलो। अरे भाई साहब जल्दी से गेट बंद करो, नहीं तो खा जाएगा ये मेरे को। चल बंद करता हाँ, यू आर सेफ नाउ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्पाई को भी थोड़ा खुला छोड़ दिया हमने। सो अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने की, बहुत ज्यादा मतलब बाल एकदम मैसेज से हो रखे हैं, और मुझे कमेंट भी आया था कि भाई आपका बर्थडे था, आपने बर्थडे में कटिंग क्यों नहीं कराई? तो भाई बात ऐसी है कि बर्थडे वाले दिन कटिंग नहीं करवाते, मम्मी पापा लोगों ने भी मना किया था, और मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो होली की वजह से तो मैंने इसलिए कटिंग नहीं करवाई थी। बट अभी जा रहा हूँ, अभी कटिंग करवाता हूँ, सोना सोना बन जाता, स्मार्ट बन जाते हैं यार। मतलब मेरे को मेरी बीवी, मेरी जो वाइफ है, वो मेरे को बोलती कि आप कटिंग वटिंग करवा के रहते हो, अच्छे से नहीं बन के रहते, ये वो करके बोलते। मैं कहा यार हम लड़के हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, मुझे मतलब मन शौक ही नहीं है यार त्यार श्यार होके ये करना, बट फिर भी होना चाहिए, मेरे को रहना चाहिए। मुझे पता है बर्थडे वाले दिन मैं कितना गंदा लग रहा था, मैसी से बाल हो रखे थे, मैंने बियर्ड सेट नहीं करवाई थी, तो थोड़ा सा हुआ मुझे। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई आपका बर्थडे, आपको थोड़ा स्पेशल तैयार होकर रहना चाहिए था, बनना चाहिए था, ठीक है भाई। एक तो कल रात को तूफान इतना आया हुआ था, बारिश की वजह से ना लाइट गई हुई है सब घरों में, और जहाँ मैं कटिंग करवाता हूँ वहाँ पर भी लाइट है नहीं, इन्वर्टर भी उनका खत्म हो गया है। तो अभी कहीं और जा रहा हूँ, 32 सेक्टर में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर करवा रहा हूँ। बहुत दूर है, मतलब यहाँ से टाइम लग जाता है, 5 किलोमीटर तक है, 5-6 किलोमीटर है। यहाँ इतनी दूर आया पहली बार कटिंग करवाने के लिए, वहाँ पे तो होगी लाइट मेरे साथ मुझे लग रहा है, क्योंकि एरिया दूसरा पड़ जाता है, वो एरिया में लाइट ही नहीं है, पूरा ट्रांसफार्मर ही गिरा हुआ है वहाँ पर। बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ था और पेड़ वेड़ भी सब गिरे हुए हैं भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और रबड़ी कैसी, खोए देना। सब पता है कैसा करती है। हाँ हक से बोल, मैं हार रही हूँ, हारी करना होता ना बोलती यार। नहीं पढ़ा ताला तेरा, ठीक है तू ये हंसती ना।
ब्लैक करंट होगी किधर? इसमें जो है वो मिल जाएंगी। ब्लैक करंट नहीं मिलेगी? यही तो चाहिए थी ब्लैक करंट। इसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है वैसे। वनीला बटर स्कॉच पिस्ता मैंगो मुंडे जाना। एक बार ना तेरे को मैं चार आइसक्रीम खिलाऊंगा। एक नागिन डांस गाना बजाएंगे, उसमें डांस करना। चार आइसक्रीम से चार। हाँ एक बार बजा दो। लेट के लेट के फिर नहीं मिलेगी। ये गलत बात है, पहले आपने नहीं बोला। चलो दे दो इसको, चार आइसक्रीम दे दो, देखते हैं कल इसको जुकाम हो जाएगा। एक हम ही दे दो, ये बटर स्कॉच है। तो गाइस मैं कटिंग वगैरह करा के आ चुका हूँ, और मैं जो कह रहा था कि हम ये खरगोश का घर बनाएंगे, तो यहाँ पर नाना जी आ गए और घर बनाने की तैयारी कर दी है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कारपेंटर का घर हो गया ये। ये देखो ये सारे लकड़ी, ये वो लकड़ियाँ हैं जो हमारे नीचे दुकान थी, जो हमने वो जो रैक बने हुए थे, रैक वगैरह जो थे हमने फेंके नहीं थे, ये रखे हुए थे, हमने जलाए भी नहीं, तो वो अब किस काम आ रहे हैं। भैया दो मंजिली घर बनाना, दो मंजिली बनाना। हाँ ऊपर घर बन रहा है। चिड़िया के लिए क्या करना है? एक और कारपेंटर, एक और कारीगर आ गए। आज लगता है पूरे ब्लॉग में यही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे घर वाले क्या कर सकते हैं। अब देखो एक घर बनाएंगे, सब लोग एक एक बार ना ट्राई कर रहे हैं, वो कट ही नहीं रहा है। अभी जनक कर रहा था, अभी गौतम लगा हुआ है। भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, रहन दे रहन दे रहन दे, आप भी ठीक करके देता हूँ। अच्छा काट दिया। चलो इन खरगोशों को भी बधाई दे देते हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा घर बन रहा है, घर घर बन रहा है, घर। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम पिंजरे में नहीं रहोगे। इनके ना स्पाइक से दोस्ती नहीं हुई अभी, इसलिए इनको पिंजरे में रखना पड़ रहा है। एक तो हमारे यहाँ पे ना पड़ोस में बिल्ली भी पाल रखी है, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए अभी दो महीने के छोटे बच्चे हैं, इसलिए इनको ऐसे रखना पड़ रहा है सेफ्टी के लिए। फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तो घूमते फिरते रहेंगे घर के अंदर ही। अभी खरगोश अपना घर देखने गया है, वो कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है करके। क्या जाँच पड़ताल हो रही है, देखने आया मेरा घर सही बन रहा है नहीं बन रहा है। इसको ऐसे नहीं पकड़ना बेटा, जब भी पकड़ना ना इसको कान पकड़ना, ऐसे करके पकड़ना है। अच्छा हाँ, इसके कान में पकड़ना है ऐसे। अरे कोई है, अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ। हाँ बस बस ऐसे पकड़ के कहीं भी ले जाओ। अच्छा क्योंकि ऐसे करेंगे ना इनके जान ही नहीं होता इनमें, ऐसे ना पकड़ के, ऐसे नहीं पकड़ते इनको, कहीं भी लेके जाओ ऐसे पकड़ के बाहर। अच्छा इनको दर्द नहीं होता? बिल्ली से बताना है, तभी तो बिल्ली वो वहाँ पे पाल रखी है ना, इसलिए इनको पिंजरे में डाला था हमने अभी। हाँ रोज में तो पत्ते देते हैं। अच्छा हाँ पत्ते भी कम थोड़ी होते हैं, दस बारह छः सात। अच्छा पत्ते होते हैं कि बात। तो वैसे भी आप लोगों को लग रहा होगा हम कहीं शादी में जा रहे, कोई मैरिज अटेंड करने जा रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जा रहे एक रील बनाने, और बहुत ज्यादा मतलब मैं ना कंफ्यूज हो के, मेरे को बताओ जो गुलाबी साड़ी सॉन्ग है प्रीत बता, वो नेपाली सॉन्ग है, पहाड़ी सॉन्ग है, मराठी सॉन्ग है, गुजराती सॉन्ग है, मराठी सॉन्ग कैसे हुआ? क्यों उसमें मराठी बोल रहे हैं सब? पर वो लगता है ऐसे जैसे पहाड़ी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको इतना लगता है, वो पता नहीं कहता गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा बोलिए क्या क्या था, क्या गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा झमला की झमला झमला झमला, उसी से लगता है गुलाबी। तो जो भी है हम उस पे एक रील बनाने जा रहे हैं, तो बस उसके लिए तैयार हुए हैं। ये देखो साड़ी पहनी है बहुत टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। प्रे तेरे को अभी तक साड़ी पहनी नहीं है, तुझे पता है? अगर मैं एक बार पतली हो जाऊँ ना रोज साड़ी पहनूंगी कसम से। ये यार तू सीधा बोल दे नहीं पहनी साड़ी, दिल से बुरा लगता है भाई। डंपर लगती है साड़ी में सभी। बस नहीं यार नहीं ऐसा तो इसको ना बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है इसको। नहीं नहीं यार नहीं लगता है तो नहीं, बाकी ये पतली हो रही है, ध्यान दे रही है। डॉक्टर ने बोला ना कि ज्यादा अभी डाइट वगैरह नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उस वजह से अभी तीन महीने हुए, छह सात महीने बाद जाके अपनी डाइटिंग शुरू कर सकती है। उसके बाद देखना है कैसी कैटरीना कैफ बन जाएगी। बन जाएगी भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी उसको फेल कर देगी ये। तो फटाफट चलते हैं आप सुधार लोकेशन में। हम लोग ये चुनर पहले इनने बनाए थे, मेरी मेरी साड़ी खराब करने वाली यही है। मम्मी अच्छे नहीं बने थे चले। बाप रे रील बनाने जा रहे, ऐसा लग रहा है शादी में जा रहे किसी की। ये और मैं, मेन हमारा मकसद रील बनाने का नहीं है। हाँ मेन मकसद हमारा कुछ और है। क्या वो जल्दी आपको पता लगेगा। अच्छा चलो फिर, चलो लेट हो रहा है, चलो।
तो अभी हम चलते हैं फटाफट से कोई मस्त सी लोकेशन देखते हैं और वहां पे बनाते हैं गुलाबी साड़ी। क्या था गाना? क्या था एक तो गाना याद है, गुलाबी साड़ी। चलिए जल्दी से प्रस्थान करिए, आज अलग ही फील आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है हम कहीं शादी में जा रहे हैं ना, सच में ऐसा लग रहा है। और कल बेचारी चली जाएगी, बस आज का दिन है जीले अपनी जीजू के साथ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अगर आज ही आ जाए जीले अपनी जीजू के साथ आज सारी जिंदगी, कल तो चली जाने वाली है ना। अभी उसको डेट पे ले जाना है मैंने। कौन सी डेट पे? अरे एक तारीख को बुलाया ना, डेट मतलब तारीख पे। अच्छा, जहाँ उसके प्रूफ मिलने हैं। कोई नहीं बुंडू, रो मत, हम आने वाले हैं, 2 महीने बाद जाने वाले हैं ना। रो रही है बेचारी पीछे बैठ के। क्यों रो रही है बुंडू? कि मुझे जाना पड़ेगा कल करके। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं रो रही। जीजा जी से क्या बोलते हैं, बिछड़ने का सदमा सह नहीं पा रही है। ठीक है, ये भी नहीं सह पा रहे। तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसलिए रो रो के खून के आंसू निकाले, इसलिए छुपाने के लिए चश्मा पहना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पता है? हाँ, बोलो। कि ना बंदे को ना भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, बस भाग्य में साली का होना जरूरी होता है। क्या बात है सर, ये बात है। वो लोग भाग्यशाली है, इसके भाग्य में साली है। और आपके भाग्य में तो मैं तो बीबी हूँ, 3-3 साली है। देखो ओ स्नैपचैट के दीवाने, चले चलो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में, अब यहाँ पे बनाते हैं वीडियो, है ना? सही है, चलो। तो गाइस बड़ी मुश्किल से बना हमारा क्या था, गुलाबी साड़ी भाई, पसीने छूट गया। और ये इतनी ज्यादा नोटिंग दिखा रहे थे ना। हाँ तो नहीं हो रहा था मेरे से, क्योंकि इतने टाइम बात करा मैंने डांस से, 2-3 साल बात करा। ये देखो, अब जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। हाँ तो जल्दी से फॉलो करो। चलो अब गुंडू की रील नहीं बनानी, चलो लेट हो गया बहुत। हाँ लेट हो गया भाई बहुत, तेरा ये झालर वालर भी सब निकल गया। तो अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है सब चीज, रील हमारी बन गई है और जल्दी से आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। अभी हम कर रहे हैं दूसरी जगह प्रस्थान। कहाँ जा रहे हैं हम? जिम। हमें आज ही जिम, हमें ऐसे ही ले जा रहे हैं, मुझे ऐसी साड़ी में ले जा रहे हैं जिम, है ना? सबसे मिलवाना है ना जिम में। बाप रे, क्या इनको स्नैपचैट मिला रहे, ये पागल हो गए स्नैपचैट के पीछे। कोई मुझे भी हॉट स्पॉट दे दो, स्नैप नहीं डाला। अभी एक कांड कर लिया, अपना फोन को मार दिया। उसको दिया था मैंने वापस कर दिया था। नहीं किया मुझे वापस, याद करने जान से तेरी ऐसी कोई होगी, फिर उसको दे दिया। नहीं लग रहा गाड़ी में, कह रहा हूँ ना ये इसकी से मार खान खींच के इसके। हाँ ऐसी है ये, ले ले स्नैप कैसे डालेगी। हाँ स्नैप डालनी है, बर्गर खाते हुए स्नैप। आजकल स्नैपचैट बहुत एक्टिव है ये भी। तो गाइस अभी बर्गर खाने के लिए आए हैं और प्रिया देखो अलग बैठी हुई है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे हिसाब से गुस्सा है वो मुझसे, उसको कोई बात है जो उसके दिल पे लग गई है। और क्या बात हो सकती है बंदू, पता नहीं क्या बात है, बस बैठी है वो देखो मुस्कुरा रही है, बैठे बैठे मेरे को देख रही है, बुंडू को देख रही है, मुस्कुराई जा रही है। अरे यार ये कल चली जाएगी, ये कह रहा हूँ मानती नहीं है बात को। वो देखो अच्छा लग रहा है तुम यहाँ पे, हाथ में रखिए स्नैपचैट बना दी थे, स्नैपचैट की ऐसी की तैसी। अरे खाओ यार, हटा।